ये है इस एसएमपी का सबसे बड़ा हेड कलेक्शन और मैं आज इसे चुराने वाला हूँ। सो गाइस, अगर हमें इस बेस को लूटना है, जो भी है, मैं बाहर से आ चुका हूँ इस बेस में गाइस। सो गाइस, अगर हमें इस बेस को अगर लूटना है तो हमें गाइस इसके कुछ तो अलग करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे लैंड के लिए, और हम यहाँ पे डायरेक्ट जाके इसे तोड़ नहीं सकते हैं। मैं यहाँ से कुछ सामान लेके पिस्टन वगैरह लाके ट्राई कर तो रहा हूँ, लेकिन पता नहीं गाइस क्या वर्क करेगा या नहीं। गाइस मैं अच्छे से एक बार ट्राई करता हूँ गाइस, बिकॉज फिलहाल मैं गाइस एक बार सामान लेता हूँ, और अगर ये पिस्टन वगैरह से लग जाए तो आई थिंक सो ये वर्क कर सकता है। तो गाइस देख, 2,000 years later सो गाइस बहुत ट्राई करने के बाद गाइस मैं यहाँ पर अटक चुका हूँ। भाई मैं क्या करूँ यार, मतलब इसमें लैंड क्लेम कर तो भाई इसके चारों तरफ से वॉक से गिर चुका हूँ, तो यार क्या बोलूँ गाइस, बुरे हाल है। पर गाइस यार मैं स्लैश पंख से निकल तो सकता हूँ, क्योंकि ये पब्लिक सर्वर है जिसका नाम है डिफ्यूज एसएमपी, आईपीएफ को दिखी रही होगी। चाहो तो गाइस आप भी ज्वाइन कर सकते हो इस एसएमपी को, पर यार मैं चाहूँ तो, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था इसकी, मैं चाहूँ तो ऐसे निकल तो सकता था स्लैश पंख करके, फिर मेरे दिमाग में कुछ और ही आइडिया था। मैंने सोचा कि क्यों ना भाई क्रस्टर, जो कि मेरा दोस्ती है और वो कौन है, तो और वो ब्लॉक ये ब्लॉक्स को ब्रेक कर सकता है, तो उसको बुलाया जाए कि ब्लॉक्स ब्रेक कर बजाए। तो उसने मतलब ब्लॉक्स तो ब्रेक कर दिए और मैं से यहाँ से निकाल दिया, और फिर उन्होंने बोला कि वुड प्लैंक्स वगैरह तोड़ के सब करो, तो भाई उसने वो भी तोड़ दिया। और भाई फाइनल उसने एक आइटम फ्रेम भी तोड़ा जिसमें से हेड गिरा, पर भाई जब मैंने उस हेड को होता ना, पता नहीं क्यों गुस्सा हो गया भाई, उसने मेरे को मार के वो हेड ले लिया। और हाँ मतलब बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसने मेरे को वापस रिवाइव करके फिर छोड़ तो दिया गैस, पर यार मेरा ये मशीन एक तरह से फेल हो गया, बिकॉज यहाँ पे कितना कुछ हो गया था और मैं अब हेड तक नहीं ले पाया था। तो गैस यहाँ तक मैंने सारे के सारे चीज़ों को ट्राई कर लिया था, पर कुछ भी वर्क नहीं करा था मैंने, और TNT4 है और बहुत कुछ कर लिया लेकिन कुछ भी वर्क नहीं करता। तो फिर मैंने सोचा कि अब अगर मैं इसे हासिल नहीं कर सकता हूँ तो फिर ये इस बेस के ओनर को थोड़ा परेशान तो करना बनता है। तो गैस मेरे पूरे बेस में अच्छे से कॉबल स्टोन से भर दिया, ताकि गैस जो भी इस बेस का ओनर है वो जो वापस आया तो गैस उसको सारे के सारे कॉबल स्टोन हटाने पड़े गैस। सो गैस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपका सिम को ज्वाइन करना है तो गैस उसकी IP मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ गैस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।